भी आ गया। आप कोई काटती वगैरह नहीं है? आप हाथ लगाओ, हम जाओ हाथ काटते। नहीं नहीं यार, मैं नहीं लगाऊंगा हाथ। आप हमेशा इनके साथ रहते हो तो ये आपको पहचानते हैं ना? ये हमारा मालिक है ऐसा। अच्छा, ये दिल्ली का इधर इनका यही फार्म है, इसी में चरता रहता है ऐसा ना? अच्छा, किसी को ऊँट खरीदना हो, लेना हो तो पैसे दो, तो यहाँ से आके पैसा देके और खरीद के ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं गाड़ी में डाल के। अच्छा, ये इस तरह से चारा उठाते रहते हैं यहाँ से, इनको कांटे वगैरह नहीं चुभते। ये खाने से मीठा दूध होता है, मीठा दूध होता है और पौष्टिक भी होता है, दूध गुणकारी भी बहुत। आप इतने छोटे छोटे बच्चे हो, आप इनसे ये काट भी तो लेते हैं ना, खा भी तो जाते हैं ना? तो आप अपना तीनों नाम बताओ। सरवण राम। आपका क्या नाम? सरवण राम। और इनका? ओमाराम। ओमाराम। और आपका? सरवण राम। आप भी सरवण राम? हाँ। दोनों सरवण राम, क्या बात है। वो आप भी सरवण राम? मक्खी का आला होता है। अच्छा अच्छा, वो मक्खी वाला शायद खाते हो। हाँ। वो तोड़ के ले आए हो आप? हाँ। तोड़ लेते हो, डर नहीं लगता आपको? नहीं। मक्खी नहीं काटती आपको? नहीं। अरे यार, आप तो बहादुर हो। सरवण राम कौन सी में पढ़ते हो भाई आप? मक्खी खाते। अरे बाप रे, आप कौन सी में पढ़ाई कर रहे हो? 8th क्लास। और आप कितने में? 5। और आप? 5। दोनों 5-5 वाले, और ये 8 वाला तोड़ा है। हाँ। बाप रे, इसके ऊपर से कैसे तोड़ लिया यार आपने? हाँ? उसे। अच्छा, वो कुंडी कुंडी बना रखी है आपने? ये शहद है ना, इसमें जुकाम चढ़ता है ना, काढ़ी चाय होती है ना, उसमें पीते हैं लोग और उससे ठीक हो जाते हैं। ये देसी नुस्खा बता दिया आपने। हाँ। क्या बात है। अच्छा, शहद लेना है और क्या लेना है? और वो चाय होती है ना काढ़ी, दूध गिर वाली चाय, लस्सी नहीं। हाँ। वो चाय हम पीते हैं ना, चाय चाय चाय। हाँ, चाय चाय के अंदर मिला के और इसको यूज करोगे तो जुकाम ठीक हो जाएगा। दूध नहीं होना चाहिए, दूध नहीं होना चाहिए, सीधा बगैर दूध की चाय। ये तो आपने औषधि बता दी यार, बहुत बढ़िया बताई आपने, ठीक हो जाती है इसे। जब ये ऐसे पियोगे तो जुकाम भी ठीक हो जाएगा और खांसी भी ठीक हो जाएगी। यहाँ से मैं अपने दादा के लिए ले जाया करता था। दादाजी के, दादाजी ने बताया था आपको ये नुस्खा? हाँ। अरे वाह यार, तेरे दादा तो कलाकार निकले भाई। क्या बात है। ये हमारे पानी पीने के लिए बोतल, ये शहद तोड़ के लेके आए और ये पानी पीने के लिए आपके बोतल। ठंडा पानी रहता है इसमें एकदम, है ना? अच्छा, ये शहद आपने तोड़ा मक्खियों वाला और ये आप खाओगे और इससे बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगे, यही बात है? क्या बात है, वेरी गुड।